Hello learners, welcome to this video on Cauchy-Gaussett theorem. Cauchy-Gaussett theorem ka statement hai, if function of z is analytic in a simply connected domain D, then for every simple closed curve C in domain D, integral C fz dz is equal to 0. Ab yahan par simply connected domain kya hai? A domain is called simply connected if every closed curve in the domain can be shrunk to a point without getting it out of the domain. अब यहाँ पर consider कर लेते हैं कि ये कोई domain D है और इस domain में बहुत सारे points lie कर रहे हैं. इन points से मिलाकर हम कोई भी curve draw कर सकते हैं. मान लीजिए कि एक circle को हमने C1 से represent कर दिया. तो इस C1 को अगर हम shrunk करते जाते हैं तो ये इस point में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे ही हमने इस डोमेन के अंदर जो भी कोई पॉइंट्स लिए उनसे कोई कर्व फॉर्म किया क्लोज कर, तो उसे एक पॉइंट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है. तो इस तरह के जो डोमेन होते हैं उन्हें हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं. और अगर ऐसे ही कोई डोमेन डी था जिसके अंदर कुछ ओपन पोर्शंस हैं, जैसे ये ओपन है जिसे मैंने हाईलाइट किया, ये भी ओपन है, यहाँ पर ओपन है, तो किसी पॉइंट पर यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कोई सर्कल एंड इट इज C2. और इस C2 सर्कल को अगर हम श्रंक करेंगे तो ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा. बट अगर हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक कर्व C3 क्लोज कर ले लिया और इसको हमने ट्राई किया कि इसका एक पॉइंट बन जाए, तो ये पॉइंट अगर बनेगा तो वो डोमेन के बाहर ले जाएगा, यानी इस ओपन एरिया में आ जाएगा. तो ओपन एरिया में आ जाएगा तो डोमेन से हम बाहर चले जाएंगे. तो इस तरह के जो रीजंस होते हैं उन्हें हम मल्टीपली कनेक्टेड रीजंस बोलते हैं. अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. इट इज इंटीग्रल सी, ये क्लोज कर्व के लिए यूज होता है, 1/z-3 dz. देन वी हैव टू इवेल्युएट इट व्हेन गिवन मॉड जेड इज इक्वल टू 2. मॉड जेड रिप्रेजेंट करता है सर्कल को एंड सर्कल इज विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड Having radius 2. तो ये पॉइंट जो रहेगा ये 2,0 हो जाएगा, ये -2,0 हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सिस को कट कर रहा है. अब ये जो है इससे z की वैल्यू 3 मिलेगी, तो यहाँ पर कहीं ये पॉइंट लाए करेगा, इट इज 3,0. तो ये इस कर्व C से बाहर है, ये क्लोज कर्व C है जिससे ये पॉइंट आउटसाइड है, सो दैट इट इज आउटसाइड सी. और अगर आउटसाइड है तो ये जो इंटीग्रल है 1/z-3 dz, इट विल बिकम 0 बाय दिस थ्योरम, क्योंकि जितना भी रीजन है उसके अंदर ये फंक्शन पूरा एनालिटिक रहेगा. तो इस तरह से हम यूजिंग Cauchy-Gaussett थ्योरम ये बता सकते हैं कि ये इंटीग्रल 0 के बराबर होगा. यहाँ पर जो z यूज हुआ है उसे हम x+iy लिखते हैं, तो इस कारण से mod of z इज इक्वल टू mod of x+iy रहेगा और इसकी वैल्यू √x2+y2 होती है. तो इस कारण से x2+y2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन, इस तरह से लिखा जा सकता है. तो इसलिए हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था और z इज इक्वल टू 3, इट मीन्स z इज इक्वल टू
एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 0। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम इसको 3, 0 से डिनोट कर सकते हैं। अब मैं कॉशी गॉर्सेट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन ले रही हूँ। इफ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2, डस कॉशिस थ्योरम अप्लाई। पहला है, व्हेन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन c इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 विथ ओरिजिन एज इट्स सेंटर, एंड सेकेंड वन इज व्हेन c इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1.5। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ z, उसके अकॉर्डिंग उसका जो डिनोमिनेटर है z माइनस 2, उसको 0 रख लेना है, एंड इट विल इम्प्लाई z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2 ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो एट दिस पॉइंट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी इज अ सर्कल, ये सी एक सर्कल है विथ रेडियस 4, रेडियस 4 है और सेंटर ओरिजिन है। तो ये अगर 0 है, 0, 0, तो यहाँ पर ये 4, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 2, ये x प्लस आई वाई से कंपेयर होके 2, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट आएगा 2, 0, ये यहाँ पर आ जाएगा रियल एक्सिस पर, इस जगह पर 2, 0 आ जाएगा, और ये पॉइंट इनसाइड c है। और अगर ऐसा पॉइंट इनसाइड c हो जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इंटीग्रल c फंक्शन ऑफ z dz इज नॉट इक्वल टू 0। तो कॉशिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी और इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर थ्योरम अप्लाई होता तो इंटीग्रल 0 हो जाता। अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें सर्कल जो है इट इज ऑफ रेडियस 1.5, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे एक 1.5 रेडियस का सर्कल, ये इसका ओरिजिन है और रेडियस 1.5 है, तो 1.5, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इट इज 2, 0, और जो 2, 0 है इट इज आउटसाइड c। तो इस कारण से ये जो रीजन है ये c है पूरा, एंड इट इज इंटीग्रल c फंक्शन ऑफ z dz इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द रीजन है। आउटसाइड होने से जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल हो जाएगा इतने पोर्शन के लिए c के लिए। अगर इससे बड़ा होता जैसे पहले वाले में था जिसके अंदर पॉइंट लाई कर रहा था, तो ये एनालिटिक नहीं होता, लेकिन जितना पोर्शन हमें कहा गया है उतने पोर्शन के अंदर ये फंक्शन एनालिटिक है। तो इस कारण से विद इन दिस क्लोज कर c इंटीग्रल c f(z) dz इज इक्वल टू 0 बाय कॉशिस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई कॉशिस थ्योरम फॉर द फंक्शन 5 sin 2z इफ c इज द स्क्वायर विथ वर्टाइसेस 1 ± i और -1 ± i। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है f(z) उसकी जगह पर हमारे पास 5 sin 2z है, और इसमें हमें इंटीग्रल c फंक्शन ऑफ z dz फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड
इंटीग्रल c एफ z डी z, इसमें वेरिफिकेशन करना है थ्योरम का. इट मींस दैट कि हमें इसे इक्वल टू जीरो प्रूव करना है तो थ्योरम वेरीफाई होगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेंगे. ये एक्स वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई वन माइनस आई माइनस वन प्लस आई एंड माइनस वन माइनस आई ऐसा कंसीडर कर सकते हैं. और इसलिए ये पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ से वन वन है एक्स और वाई दोनों पे, तो वन कॉमा वन, यहाँ से वन कॉमा माइनस वन, इसे कंपेयर करेंगे तो माइनस वन कॉमा वन एंड चौथे वाले से माइनस वन कॉमा माइनस वन, इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे. अब इन्हें अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहां पर ओरिजिन ले लिया, ये एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम नेमिंग कर सकते हैं. यहाँ एक्स वन है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस वन, यहाँ पर एक्स वन है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव वन, यहाँ पर एक्स माइनस वन है क्योंकि ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को शो कर रहा है और वाई की वैल्यू फिक्स है, यहाँ वाई इज इक्वल टू वन है और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव वन, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव वन क्योंकि वाई इज इक्वल टू माइनस वन है यहाँ पर. तो इस तरह से हमें ये एक क्लोज्ड कर्व मिल गया है और इसको इनने सी से डिनोट किया है यहाँ पर, क्लोज्ड कर्व कैपिटल सी. अब इसके नेमिंग कर लेते हैं. इट इज ए बी सी एंड डी, इस तरह से हमने इस कर्व की नेमिंग कर ली. लाइन इंटीग्रल एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इस कारण से इसको हम एंटी क्लॉकवाइज फाइंड आउट कर लेंगे. इस तरह से नाउ इंटीग्रल सी फंक्शन ऑफ जेड डी जेड कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल बी सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड. तो इस तरह से हमें हर एक लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन फाइंड करना है. यहां पर इंटीग्रल ए बी है, इट इज फ्रॉम वन माइनस आई टू प्लस वन प्लस आई. फंक्शन ऑफ जेड इज साइन टू जेड डी जेड. फाइव सभी में है इस कारण से ब्रैकेट के बाहर लिख लिया. प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल इज यहां से वन प्लस आई है, इसको हम दोनों तरह के नोटेशन में लिख सकते हैं. इसे हम यहाँ पर वन प्लस आयोटा, यहाँ वन माइनस आयोटा, यहाँ पर माइनस वन प्लस आयोटा और यहाँ माइनस वन माइनस आयोटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास ये फाइनली वन प्लस आई टू इंटीग्रल माइनस वन प्लस आई आ जाएगा और फंक्शन ऑफ जेड सेम है साइन टू जेड डी जेड, सभी में से फाइव हमने
बाहर ले लिया है। इंटीग्रल माइनस वन प्लस आई से लेकर माइनस वन माइनस आई तक साइन टू जेड डी जेड, इसे एक्स वाई में कन्वर्ट करके भी सॉल्व किया जा सकता है और ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देन माइनस वन माइनस आई से लेकर वन माइनस आई तक साइन टू जेड डी जेड ब्रैकेट क्लोज। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो फाइव टाइम्स यहां से साइन टू जेड का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस टू जेड अपॉन टू जेड का आ जाएगा टू इंटीग्रल की लिमिट वन प्लस आई और वन माइनस आई। सिमिलर मैनर में सारे ही सेम आ जाएंगे तो माइनस कॉस टू जेड अपॉन टू इंटीग्रल की लिमिट्स लिख देंगे माइनस कॉस टू जेड अपॉन टू इंटीग्रल की लिमिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और लास्ट वन है माइनस कॉस टू जेड अपॉन टू और इसकी लिमिट्स लगा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, बाय टू सभी में है बाहर ले लिया और कॉस में सारे टर्म्स लिख लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगेन अपर लिमिट माइनस 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 प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट देन अपर लिमिट तीसरे टर्म में माइनस 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 प्लस हो गया लोअर लिमिट, इसमें से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अगेन अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस होकर लोअर लिमिट। अब देख लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है माइनस कॉस टू वन प्लस आई, तो वन प्लस आई वाले में चेक कर लेते हैं तो कॉस टू वन प्लस आई ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म। यहाँ पर कॉस टू वन माइनस आई, तो वन माइनस आई वाली टर्म में देख लेते हैं ये माइनस में आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। देन माइनस कॉस टू माइनस वन प्लस आई, माइनस वन प्लस आई वाला ये टर्म ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस कॉस टू माइनस वन माइनस आई और ये प्लस का कॉस टू माइनस वन माइनस आई, तो फाइनली ये सभी कैंसिल हो गए हैं, इस कारण से रिजल्टेंट जीरो हो गया। हमें यही प्रूव करना था तो हैंस कॉशिस थ्योरम वेरीफाइड इस क्लोज्ड रीजन सी के लिए कॉशिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉशिस इंटीग्रल फॉर्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।